मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज धार के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कांग्रेस नेताओं के खाते में फंड ट्रांसफर भाजपा का दिल्ली चुनाव को लेकर किया गया शगुफा है। केंद्र के पास रो, सीबीआई, एनआईए सहित कई जांच संस्थाएं हैं। केंद्र सरकार मोदी और शाह की है, जांच करे। अगर पैसा खातों में डाला है तो कार्यवाही करो। सीएए पर गरजते हुए उन्होंने कहा कि पीएम लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं। अदनान शामी पाक के हैं, उन्हें तो नागरिकता दी गई है, पद्मश्री दिया गया है। देश के लिए जिन्होंने कारगिल में लड़ाई लड़ी है उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं। पीआईएफ कोई आतंकवादी संगठन है क्या? यदि है तो सरकार कार्यवाही करे। जिन लोगों को पैसा देने की बात हो रही है उसकी जांच करे। आप भी सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। आप पहले देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यह पत्रकार वार्ता। सर, पावरफुल फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है और उसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है कि सीए को लेकर देश में दंगे भड़काने के लिए उसमें पैसे डाले जा रहे हैं करीबन 125 करोड़ रुपए। उसमें कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का नाम भी आया है। इसको लेकर शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। जब केंद्र सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सब कुछ है, तो इसमें जवाब तो उनको देना चाहिए। ऐसा है क्या? हमसे कहा के जवाब मांग रहे हैं? नहीं, वो आरोप सर, लगा रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है। अरे मेरे भाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में अगर कुछ ऐसा पैसा है जो किसी ने डाला है, और पॉपुलर फ्रंट इंडिया अगर कोई आतंकवादी संगठन है क्या? आतंकवादी संगठन है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। क्या पैसा आया? अरे करते हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार किसकी है? मोदी जी शाह की जी। उनके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईबी है, रॉ है, एनआईए है, जांच करे। तो उत्तर तो उनको देना चाहिए कि हम देंगे उत्तर? नहीं, जांच के पश्चात ही उन्होंने कहा। अरे मेरे भाई, खाते में डला है, अगर डला है तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दूसरा सवाल यह है, इस गणतंत्र दिवस पर 48 साल पुरानी रस्म तोड़ी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कौन सी रस्म नहीं तोड़ी? पूरे देश में आग लगा रखी है, लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं। अदनान सामी पाकिस्तान के, उनको तो नागरिकता दी, पद्मश्री दिया, और देश का जिसने कारगिल युद्ध लड़ा, मेजर समानुल्ला खान, उसको डिटेंशन कैंप में भेजा हुआ है असम में, उसके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं मिला उनको, जिसने फौज में काम किया, कारगिल में लड़ाई लड़ी, यह है इनका राष्ट्रवाद। और वो देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जिसने कि अफजल गुरु को कह के आतंकवादी को कमरा किराए पे दिलवाया दिल्ली में, उसको गाड़ी खरीदवाई, पुलवामा में उसकी पोस्टिंग वहीं थी, फिर आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? मेरा प्रश्न है अमित शाह और मोदी से, जिस तरह से आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए बजरंग दल के लड़के पकड़े गए, बीजेपी के लड़के पकड़े गए, मेरा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान से कि उन पर आपने नागरिक सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगाया, एनएसए क्यों नहीं लगाया? छोटे छोटे लोगों पर तो एनएसए लगा दिए उन्होंने, अब हम पर उनके एनएसए लगाएंगे इन लोगों पर। ठीक है, कमलनाथ हो रहा है, इतना सफल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि माफिया से उनके गहरे संबंध हैं, तिलमिलाई हुई है। उनका कहना है कि भाजपा के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस, क्योंकि क्योंकि सारा लैंड माफिया भाजपा का है, तो क्या किया जाए? आपके पीतमपुर में किस किस ने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन में, बताओ, कोई कांग्रेस ही ने कर रखा है क्या? सब प्रभात झा ने आरोप, आज प्रभात झा ने कहा है कि अगर मुझसे राहुल गांधी बहस कर ले, अगर वो मनवा दे। प्रभात झा से कहिए कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि राहुल गांधी उनसे बहस करेंगे। मोदी अगर बहस करने तैयार हो तो तैयार है वो। आपके जवाब से मिलता जुलता सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पीथमपुर में किसने कब्जा किया है, बीजेपी के लोगों के नहीं, सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी पीथमपुर में तो आपके प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं करी। करना चाहिए, वो यह मांग करेंगे प्रशासन से जी।
धार में 17 लोगों की सूची तो एक पे कार्रवाई करके प्रशासन ने खत्म कर दिया। हम पता लगाएंगे प्रशासन से। एक बात है, दिग्विजय सिंह जी राजपूत समाज को बिलोंग करते हैं, जो क्षत्रिय समाज रहता है वो पैदल नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जो हिंदू धर्म में मान्य है कि आप पैदल घूमेंगे तभी मान्य होगी, लेकिन वो यदि मुस्लिमों की बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी अकेले क्यों बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम की, बाकी नेता जिनको बड़े पद चाहिए वो फ्रंट क्यों नहीं पकड़ते? मैं इतना जानता हूँ, पहली बात तो RSS कोई हिंदुओं का संगठन नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो इसको हम हिंदुओं का संगठन मानते भी नहीं हैं। और इनको सनातन धर्म से कोई लेने देना नहीं है। सनातन धर्म के जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, स्वरूप हमारे शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी इनके समर्थन में नहीं है, फर्जी बनाए हुए हैं। तो ये फर्जी वाला करने में होशियार हैं, लेकिन ये इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिग्विजय सिंह सबकी मदद करता है, हिंदुओं को भी करता है, मुसलमानों को करता है, क्योंकि मेरा धर्म इंसानियत है और इंसानियत ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। महात्मा गांधी का 150 जयंती चली हुई है और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते से हटकर इस देश में वे अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। और दिग्विजय सिंह उनका टारगेट नंबर 1 है और उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। हमारे असलम भाई भी कुछ कहना चाहेंगे। आपसे बसंत उत्सव कल से स्टार्ट होने वाला है जी, आपसे कल से बसंत उत्सव स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे भोजशाला को लेकर? ऐसा है, भोजशाला के अंदर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, तो मैं अपील करूंगा सभी हिंदू और मुसलमानों को धार के कि वे शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम सद्भाव बनाए रखें। और जिस प्रकार से जो प्रशासन ने जिस प्रकार से हमेशा मिलजुल के काम किया है, भड़काने का काम ना हिंदू करें ना मुसलमान करें। असलम भाई जी, डिटेल आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीधे कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने धार जिला न्यायालय परिसर के पास बने नवनिर्मित लॉयर्स चैंबर का मंत्री PC शर्मा के साथ मिलकर लोकार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेश ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के द्वारा पैसे एकत्रित कर बनाए गए भवन की तारीफ की। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मंच से प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में संविधान को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का निर्णय सही है। इस मौके पर विधि एवं जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने राजनीति में हनुमान की एंट्री वाले सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं हनुमान भक्त हैं और हम सभी उनके भक्त हैं। मंत्री PC शर्मा ने कहा कि पूर्व की सरकार हमें खाली खजाना देकर गई थी, परंतु मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूझबूझ से सारे काम किए। मंत्री परिषद शर्मा ने कहा कि पहले रेत खदानों की नीलामी में महज 300 करोड़ रुपए आते थे, परंतु अब ऑक्शन में 1300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। देखिए धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। और मैं बधाई देता हूं माननीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने कि हर स्कूल में भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यही सबसे बड़े हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे की सबसे बड़ी शक्ति है। और हनुमान जी भाई, कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं। जब भी तो मंगलवार को चुनाव हुए और उनने मंत्रिमंडल की शपथ तब ली, मंत्रिमंडल तब ली, तो हनुमान जी का आशीर्वाद है। बीजेपी का कहना है कि हनुमान जी की तुलना नहीं की गई है, भक्त है, जो भक्त कहीं तुलना करेगा, भक्त की तुलना होगी? हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ जी और हम लोग उनके भक्त हैं। वित्तीय स्थिति बैंकरप्ट छोड़ के गई है पिछली सरकार, 15 साल में लूट लिया सब। और इससे अंदाज लगाओ कि रेत का जो 230 करोड़ आता था पहले जो ऑक्शन होता था, अब आ रहा है, अभी आया है 1300 करोड़। ये कहाँ गए 1000 करोड़ हर साल के, ये कौन खा गया?
तो तीसरी तो खराब थी, लेकिन कमलनाथ जी ने अपनी ट्रिक से अपने कामों से उसको ठीक कर रहे हैं। उद्योगों एक तरफ किसानों का कर्जा भी माफ़ कर दिया, दूसरा चरण उसका चालू हो रहा है, और दूसरी तरफ उद्योग और निवेश ला के यहाँ की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। Finest banquet hall, Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।